नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईएएस के डेली हिंदी एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम डिस्कस करेंगे दो आर्टिकल, जिसमें से पहला आर्टिकल है राजकोषीय घाटे में कैसे आ सकता है सुधार। इसमें से ये जो है श्रीनिवास राघवन जी का आर्टिकल है, जिसमें से उन्होंने मतलब कि जो अपनी जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है, तो उसमें से जो है तो कुछ क्या कुछ रिफॉर्म इसमें किए जाने की ज़रूरत है ना। तो उससे संबंधित यहाँ पास जो राजस्व घाटे हैं, तो उनमें से किस प्रकार से मतलब क्लासिफिकेशन किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें से आर्थिक जो जोखिम है और जो राजनीतिक जोखिम है ना, ये व्यय से रिलेटेड है। तो उसमें से जो है तो किस में किस प्रकार से इसमें से कुछ इनका क्लासिफिकेशन करके रिफॉर्म किए जा सकते हैं ना, जैसे कि जो मंदी की स्थिति है तो उससे निपटा जा सकता है। साथ ही साथ इन्होंने जो है तो केन्स मॉडल की बात यहाँ पास की है, किस प्रकार से जो है तो केन्स मॉडल की यहाँ पास रिलेवेंसी जो वर्तमान मंदी के दौर देखने को मिल रहा है, तो उसमें से किस प्रकार वो रिलेवेंट हो जाता है ना, तो उससे संबंधित आर्टिकल तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वहीं अपना नेक्स्ट आर्टिकल जो है तो कॉर्पोरेट जगत में महिलाओं की भागीदारी संबंधित आर्टिकल, जो अभी हाल ही में क्रेडिट स्विस एक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें जो है तो किस प्रकार से महिलाओं की जो हिस्सेदारी जो है तो काफ़ी कम है, तो उससे संबंधित आर्टिकल डिस्कस करता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ कि आर्टिकल जैसे कि यदि हम बात करते हैं कि जैसे हाल ही में भी जो क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई थी है ना, जो कॉर्पोरेट जगत में एक प्रकार से महिलाओं की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करती है, तो इसमें इस रिपोर्ट के अनुसार जो है तो भारत में जो महिलाओं के लिए कॉर्पोरेट की बात की है, तो कॉर्पोरेट में एक प्रकार से बहुत ही लिमिटेड जो है तो इनकी भूमिका देखने को मिलती है। विश्वभर के लगभग 56 देशों की बात की है, तो उसकी 56 देशों की 3000 कंपनियों में से जो सर्वे में पाया गया कि भारत पे एक प्रकार से जो जो इसमें भारत की भूमिका थी तो बहुत ही कम देखने को मिली, और भारत को एक प्रकार से इसमें 23rd नंबर पर रखा गया है ना। तो रिपोर्ट साथ ही साथ जो होती है ये बताते हैं कि जो पिछले 5 साल है उसमें से जो कंपनी की बोर्ड टीम है तो उसमें महिलाओं की भागीदारी में जो एक प्रकार से बहुत ही कम भूमिका देखने को मिली है ना। यदि हम बात करते हैं कि जो उनकी महिलाओं की भागीदारी है तो उसमें से मात्र 4.3% की ही वृद्धि हुई है। साथ ही जो है तो उसका वरिष्ठ प्रबंधन में जो महिलाओं की भागीदारी उसमें 2016 में मात्र 6.9% थी ना, तो इसमें मात्र बहुत ही कम वृद्धि देखने को मिली है। तो इसमें जैसे हम बात करते हैं, तो इससे पहले थोड़े से हम एक चीज़ थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज़ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पास कि जो है तो कि किसी कोई भी कंपनी या औद्योगिक संगठन होता है तो उसका जो एक स्ट्रक्चर होता है, तो उस स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर होता है तो उससे जो है तो हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से देखने डेवलप होती है ना। और साथ ही साथ ये तो बहुत ही मतलब कि पूरी लगभग ये स्ट्रक्चर जो है सभी में कॉमन सा होता है ना। तो इसमें से इसके संदर्भ में देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पास जो हायरकी की बात की जाए, तो इसमें जो है तो जो इनका स्ट्रक्चर है तो उसमें जो चेयरमैन होता है ना, उसके बाद जो मैनेजिंग डायरेक्टर देखने को मिलता है, उसके बाद फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, निदेशक मंडल है ना, वहीं उसके बाद जो है तो अपना CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद फिर इसी तरह से जो सीक्वेंस चलता है तो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, उसमें भी एक सुपरवाइज़र होता है ना, शोध और विकास विभाग के उसी में। वहीं इसकी जो कार्य प्रणाली है तो उसमें भी हम थोड़ा सा ध्यान देकर कि जो इसमें आम सभा होती है, वहीं निदेशक मंडल की बैठक भी एक जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं, तो यही निदेशक मंडल की इसमें बैठक में ही ये डिसीजन लिए जाते हैं है ना। और निदेशक मंडल यहाँ पास देख सकते हैं कि उसकी भूमिका हो है ना, और साथ ही साथ जो है तो CEO जो होते हैं इनको एक प्रकार से इम्प्लीमेंट करने की उसकी भूमिका होती है। तो अब हम इसमें से बात करेंगे कि वरिष्ठ प्रबंधन में एक प्रकार से कितनी मतलब कि जो महिलाओं की भूमिका है ना, तो वो 6.9% तो वो अब बढ़कर के मतलब थोड़ी सी वृद्धि होकर के 8.5% तक पहुंच गई है। तो अब ये देखते हैं कि जो भारतीय कंपनियां हैं तो उसमें से जो महिला CEO की भी यहाँ पर मतलब कि आंकड़े देखे उनकी जो मतलब कि उनका प्रतिनिधित्व तो मात्र 2% तक ही है, जबकि CFO का भी महिलाओं की भागीदारी उसमें भी लगभग 1% के बराबर है। यदि बात करते हैं कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो महिला CEO के मामले में लगभग थाईलैंड जो है तो टॉप पे है ना, वहीं मलेशिया को दूसरे स्थान पे, फिलीपींस 3rd नंबर पे आता है। तो यहाँ पास देखते हैं कि किस प्रकार से मतलब कि यहाँ पास लैंगिक विभेदता भी देखने को मिलता है कि यहाँ पास महिलाओं को कितना कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जहाँ पास जनसंख्या की बात की जाए तो जहाँ पास जनसंख्या में लगभग 49% या 50-50% की रेशियो देखने को मिलती है, तो वहीं यहाँ पास यदि बात करते हैं कि लीडरशिप या कहीं भी जो है तो यहाँ पास रोजगार में या प्रतिनिधित्व में कहीं भी हो तो महिलाओं की भूमिका बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो इससे जो है तो निश्चित तौर पर ये जो कह सकते हैं कि समाज में एक प्रकार से इक्वलिटी जैसी भी कंडीशंस नहीं हो पाई हैं, और बहुत सी ऐसी विषमता भी अभी अब भी देखने को मिलती है, जिस कारण उन्हें जो है तो एक प्रकार से बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है ना। तो रैंकिंग में जो है तो भारत को एक प्रकार से जो भारत की रैंकिंग है तो लगभग लगभग नीचे से
तीसरे पायदान पे है, हम देख सकते हैं यहाँ पास। वहीं पास जो तो महिला सीएफओ के मामले में भारत जो है तो एक प्रकार से बॉटम लेवल पे ही एक प्रकार से इस रैंकिंग में देखने को मिलता है ना। वहीं जो यहाँ पास बात करते हैं कि लगभग 15% महिला सीईओ जो हैं तो उनके साथ सिंगापुर इटली जो दुनिया भर में सबसे नंबर टॉप में चल रहे हैं। तो रिपोर्ट में ये चीज़ स्पष्ट तौर पर भी की गई है, जैसे आईटी के लगभग 80% जो हैं तो प्रमुख जो हैं तो वो पुरुष हैं ना। वहीं रिपोर्ट में इस चीज़ का भी जिक्र किया गया कि जो महिलाओं को जो निर्णय लेने संबंधित जो भूमिका है उसमें बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी दी जाती है ना। तो इसीलिए यहाँ पर उनका प्रतिनिधित्व भी देखने को कितना कम मिल रहा है, तो इससे भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि किस प्रकार से माइंड सेट लोगों का ऐसा है ना। तो इसके लिए भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। साथ ही साथ ये जो लैंगिक असमानता के सवाल की बात की जाए तो यहाँ पर जैसे हाल ही में जैसे कि सूचकांक जारी किए गए थे तो उसमें भी जो है तो लैंगिक असमानता है जो भारत की स्थिति बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छी नहीं है ना। वहीं विश्व आर्थिक मंच का जो जेंडर गैप इंडेक्स 2018 की बात की जाए तो उसमें जो है तो भारत को 108वां स्थान मिला था, वहीं 149 देशों में था। जबकि 2019 में बात करते हैं तो उसमें 129 देशों की सूची में भारत को 95वें नंबर पर स्थान मतलब कि मिला है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कितनी मतलब कि पुअर लेवल पे यहाँ पर बात है, मतलब कि जेंडर इनइक्वलिटी देखने को मिल रही है ना। तो इस साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं कि इस तरह की जो रिपोर्ट होते हैं तो आर्थिक अवसर, स्वास्थ्य और पोषण तथा राजनीतिक सशक्तिकरण, शिक्षा की प्राप्ति आदि जैसे इन मापदंडों के आधार पर होती है। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि इसका मतलब तो यही है ना कि निश्चित तौर पर जो तो यदि देखते हैं कि आर्थिक अवसर है, स्वास्थ्य है, पोषण है, राजनीतिक सशक्तिकरण, शिक्षा, इन क्षेत्रों पे भी महिलाओं की भूमिका फिर नहीं है, तभी तो ये इस प्रकार की मतलब कि रैंकिंग में भी इतनी पुअर कंडीशन देखने को मिलती है ना। तो निश्चित तौर पे इन चीज़ों से जैसे बात करते हैं ये हमारे पिछड़ेपन का ही एक प्रकार से आईने का काम करता है ना। और साथ ही साथ दूसरी बात करते हैं दूसरी और यदि बात करें तो समाज और पारिवारिक स्तर पर भी एक प्रकार से महिलाओं की दयनीय स्थिति को भी ये एक प्रकार से व्यक्त करता है। लेकिन जहाँ कॉरपोरेट जगत की बात की जाए तो वहाँ पर जैसे भारत सरकार ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मतलब काफ़ी कुछ प्रयास भी किए हैं है ना। जैसे 2013 में जो है तो व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से भी कंपनी अधिनियम में एक प्रकार से जो है तो कंपलसरी किया गया था कि कंपनी के बोर्ड में जो है तो कम से कम एक महिला डायरेक्टर होने चाहिए। इस प्रकार के गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिए गए। हालांकि विशेषज्ञों का यही मानना है कि इस मामले में जो ज़मीनी स्तर पर तो मतलब कि अभी और कुछ किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस कानून को तो ही मतलब कि पूरी तरह से लाभ इसका नहीं मिला है ना। एक प्रकार से फॉर्मेलिटी के तौर पे ही रह गया है ना। तो यदि हम बात करें कि एक आंकड़ा तो और भी देखने को मिलता है कि जैसे कंपनियों के बोर्ड में शामिल लगभग 25% महिलाएं जो है तो प्रमोटर फैमिली की देखने को मिली। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो है तो यहाँ पर अपना जो ये भी यहाँ पर देखने को मिलती है, असमानता भी देखने को मिलती है कि पारदर्शिता के अभाव में किस प्रकार से लोग जो है तो मतलब कि यहाँ पर जो है तो परिवारवाद ये चीज़ें भी ज़्यादा मतलब कि देखने को मिल रही हैं है ना। तो एक बात ये यहाँ पास महत्वपूर्ण देखने को मिलती है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में यदि महिलाओं को जगह दी जाती है तो उससे जो कंपनियों के शेयर होल्डिंग वैल्यू है वो काफ़ी मतलब कि इंक्रीज़ करती है, काफ़ी अच्छी देखने को मतलब कि उसके रिजल्ट अच्छे देखने को मिले हैं। वहीं हम बात करते हैं कि पिछले 5 सालों में ऐसी कंपनियों की संख्या में लगभग 10% की वृद्धि देखने को मिली है जिसने बोर्ड में महिलाओं को मतलब कि शामिल किया था। तो यदि हम देखते हैं कि दफ्तरों में जैसे लैंगिक असमानता जो है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो इसको भी कम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जैसे कि बोर्ड में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया जाए तो इससे जो है तो कुछ हद मतलब कि इस चीज़ से मतलब कि निजात पाई जा सकती है। वहीं जैसे कि लैंगिक समानता जैसी बात की जाए तो इसके संदर्भ में यदि हम देखें लैंगिक समानता का सूत्र जो है तो वो श्रम सुधार और सामाजिक सुरक्षा कानून से ही जुड़ा है ना। ये मतलब कि ये तभी इससे मतलब कि एक प्रकार से इंटरलिंक किया है कि इन चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट के साथ साथ जो है तो लैंगिक समानता जो है तो मतलब कि लाई जा सकती है। फिर चाहे जैसे काम चाहे वो कामकाजी महिलाओं के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना हो या सुरक्षित नौकरी की गारंटी उन्हें देना हो है ना। बाहर कॉरपोरेट जगत को एक प्रकार से मतलब कि काफ़ी कुछ इस दिशा में मतलब किए जाने की ज़रूरत है ना। साथ ही साथ जो कंपनी अधिनियम के जो नियम हैं उनके अनुपालन करने की भी ज़रूरत है ताकि जो महिला भागीदारी है उसके एक प्रकार से उनको बेहतर तरीके से उनके पत्नी मिल सके है ना। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये आर्टिकल जो है तो TC श्रीनिवास राघवन जी का आर्टिकल है। इस आर्टिकल में जैसे कि यदि हम बात करते हैं कि वर्तमान अर्थव्यवस्था जो है तो मंदी के दौर से गुजर रही है ना, तो उसमें से यहाँ पास जो है तो राइटर जैसे बात करते हैं कि यदि हम बात करें कि इसमें से जो हमारा एक प्रकार से जो राजकोषीय घाटा है तो उसके जो हमारे देखने का नज़रिया है तो उसे में एक प्रकार से उसमें बदलाव मतलब होने की ज़रूरत है या बदलाव करने की ज़रूरत है ना। इन द सेंस ऑफ कि यदि
एप्का से बढ़ा हुआ या घटा हुआ सरकारी व्यय जो है वो श्रम और उत्पाद बाजार को संतुलित रखने का काम करता है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो इस प्रकार के जो व्यय हैं तो उनको दो हिस्सों में बांट देने चाहिए, बांटने की यहाँ पर मतलब कि राइटर बात कर रहे हैं, है ना। इसमें से इसको दो हिस्सों में कैसे, इसमें से एक प्रकार से बात की जाए कि एक हिस्सा इस प्रकार से होना चाहिए कि जिसके घटने पर एक प्रकार से सरकार का राजनीतिक जोखिम बढ़ जाता है और आर्थिक लाभ में तो इजाफा होता ही है ना। साथ ही साथ जैसे कि ये तो मतलब कि पता ही है कि जैसे राजस्व घाटा और राजनीतिक जोखिम जो होते हैं ये तो दोनों आपस में एक प्रकार से अंतर संबंधित मतलब कि गहरे जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से यदि बात करें राजस्व घाटा और राजनीतिक जोखिम तो दोनों आपस में एक प्रकार से अंतर संबंधित होते हैं। हालांकि जो निवेश होता है, निवेश जो आर्थिक लाभ जो होता है तो वो तो निवेश व्यय से ही आते हैं, है ना। अब यदि यहाँ पर बात करें कि राइटर का मतलब कि मानना है कि जो ये दोनों हैं, ये दोनों चीज़ें जो हैं तो इनके एक प्रकार से इनका वित्तीय उद्देश्य जो है तो एक प्रकार से इनको अलग अलग करने की किए जाने की ज़रूरत है ना। जैसे कि पहले भी चल रहा था कि एक प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन मतलब कि योजनागत व्यय होता था और गैर योजनागत व्यय होता था, है ना। इन्हें इन चीज़ों के रूप में मतलब कि इनके नाम से जाना जाता था। तो इसमें से थोड़े और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके और इसी दिशा में कुछ मतलब कि और किए जाने की ज़रूरत है ना। इसी से इसी के तहत इसी की तरह जो है तो और भी मतलब कि इनको भी रिफॉर्म किए जाने की ज़रूरत है। जैसे कि बात की जाए कि गैर योजनागत व्यय जो होता है उसको भी दो हिस्सों में बांट दिया जाए, है ना। पहला जिसमें से कमी के राजनीतिक जोखिम हो, है ना, जैसे कि सब्सिडी है, वेतन है तथा पेंशन, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इससे क्या होता है ना कि जैसे ये जो व्यय है तो इससे क्या हो कि ये राजनीतिक जोखिम को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। राजनीतिक जोखिम को बढ़ा के इस प्रकार से देते हैं कि यदि इन चीज़ों पे कमी की जाएगी तो निश्चित तौर पे जो है तो पॉलिटिकल एक प्रकार से जो पार्टियां हैं तो एक प्रकार से उनको मतलब कि कह सकते हैं कि समस्या देखने को मिलेगी, है ना। वही जो है तो एक प्रकार से वो जो कि इन चीज़ों पे यदि सरकार कटौती करती है तो अस्थिरता आ जाती है ना। तो इसे जो है तो कम ही इन चीज़ों पे मतलब कि राजनीतिक पार्टियां जो है तो इनमें हस्तक्षेप करने का प्रयास करती हैं। और ये दूसरे की बात की जाए क्लासिफिकेशन की तो उसका जो है तो रख रखाव का उच्च व्यय जो हो तो जिसमें से एक प्रकार से इजाफा जो है तो समग्र उत्पादकता में सुधार करता है ना। तो यदि हम बात करते हैं कि जैसे कि इनमें से पहले में किसी भी तरह का यदि इजाफा होता है ना तो वो जो है तो बाद वाले में एक प्रकार से वो कटौती करता है। हम यदि बात करते हैं थोड़ा सा इसको और मतलब की बात करी जाए कि जो यहाँ पर इसका जो क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो हम ये जो राजनीतिक जोखिम वाला है तो इसको हम मान लेते हैं कि निगेटिव वाला है ना। और वही जो यदि दूसरी वाले की बात करते हैं तो ये जो है तो पॉजिटिव वाला है ना। तो इसमें से देखते हैं कि यदि जो है तो ये निगेटिव वाला कैसे निगेटिव वाला है, ये जो गैर योजनागत व्यय होता है तो ये गैर योजनागत व्यय जैसे कि सब्सिडी, वेतन, पेंशन है तो इससे जो होता है तो एक यहाँ पास जो है तो सरकार के पास समस्या यहाँ पास ये देखने को मिलती है कि इन चीज़ों पे जब खर्च होता है सरकार का तो उससे एक प्रकार से सरकार को एक प्रकार से पॉपुलैरिटी तो मिलती है। जैसे एक सब्सिडी हो गई, है ना, वेतन हो गए, पेंशन हो गए, इन चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट लाए जाते हैं तो इससे पॉपुलैरिटी मिलती है। सरकार जो है तो एक प्रकार से राजनीतिक लाभ भी उनको देखने को मिलता है ना। तो इससे जो है तो निश्चित तौर पे उनको एक प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से बात की जाए तो उनको फ़ायदा होता है। लेकिन इनमें से यदि कटौती की जाती है तो जो एक प्रकार से उनको काफ़ी जोखिम का सामना करना पड़ता है ना, राजनीतिक रूप से जोखिम भरा ये कदम हो सकता है। वहीं यदि हम बात करते हैं एक प्रकार से इसको जोखिम, राजनीतिक जोखिम इस प्रकार से कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, कि इससे क्या होता है ना कि हमारी जो एक प्रकार से जो परिसंपत्ति होती है उसका इनमें निर्माण तो नहीं होता है ना। साथ ही साथ जो है तुम्हारी देयता में भी कोई कमी नहीं आती बल्कि वृद्धि ही देखने को मिलती है कि सब्सिडी, वेतन, पेंशन, इनसे जो है तुम्हारा घाटा ही तो होता है ना। एक प्रकार से रेवेन्यू डेफिसिट ही होता है, इनमें कोई वृद्धि देखने को नहीं मिलती है। तो इसीलिए इसको राजनीतिक जोखिम के तौर पर एक निगेटिव परस्पेक्टिव से देखा गया है। वही यदि हम बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म की बात किया कि सेकंड वाला जो है तो उसको पॉजिटिव इसीलिए दे रहे हैं कि आपस जो तो इससे क्या होता है ना कि जो यदि अवसंरचना में इन्वेस्ट किया जाता है तो उससे जो तुम्हारे एसेट्स का निर्माण होता है, परिसंपत्ति का निर्माण होता है ना। तो इसलिए वो एक प्रकार से पॉजिटिव की भूमिका में आ जाता है। अब यदि हम देखें से यहाँ पास ये देखने को मिलती है कि जो यदि राजनीतिक जोखिम वाला जो है तो उसमें
जो है तो चुनावों की वजह से है ना, चुनावी इन्फ्लुएंस की वजह से जो है तो ये जो पार्टियां हैं तो इसमें इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी कर देती हैं, है ना, क्योंकि वो तो जोखिम नहीं लेंगे, तो इस प्रकार से सब्सिडी डिसाइड कर दी, वेतन पेंशन इससे संबंधित निर्णय लेते हैं, तो ये अब जी ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो जो अवसंरचना वाला है तो वो दूसरा उसमें नकारात्मक तो परिणाम मिलता है, क्योंकि उसमें भी कमी देखने को मिलेगी, इसमें वृद्धि हो जाएगी तो निश्चित तौर पर उसकी भरपाई कहाँ होगी, है ना, तो उसके लिए यहाँ पास इससे एक प्रकार से कटौती देखने को मिलती है। तो ये हर वर्ष मतलब कि चलता ही रहता है चुनावों की गतिविधियों के कारण, तो ये भी एक प्रकार से समस्या ही देखने को मिलती है। इसीलिए हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि स्थिति देखने को मिलती है देश की, तो बहुत ही जर्जर स्थिति देखने को मिलती है ना, बुनियादी ढांचा हमारा है। इसके हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि ये दिल्ली के यहाँ पास मतलब राइटर ने यहाँ पास उदाहरण दिया है ना, दिल्ली CM का कि जिस प्रकार से दिल्ली सिटी की स्थिति है, तो उसके हिसाब से है ना। वहीं यहाँ पास बात की जाए तो ये जो राजनीतिक जोखिम कम करने की बात की जाती है, तो उसमें जो होने वाला व्यय है तो उसको आर्थिक जोखिम वाले व्यय से अलग करने की बात ही मतलब राइटर यहाँ पास कर रहे हैं। एक प्रकार से अपने आप में यूनिक इसको सोल्यूशन के तौर भी देखा जा सकता है, जैसे कि ऐसा करके यहाँ पास एक अच्छा इसका मतलब कि पॉजिटिव प्रभाव देखने को ये मिलेगा कि इससे जो ये समस्या इस प्रकार की देखने को मतलब कि ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो एक प्रकार से घोषणा में घोषणा करती रहते हैं, तो ये जो एक प्रकार से प्रतिस्पर्धी राजनीतिक व्यवस्था है ना, लोगों में एक प्रकार से घर कर गई है, तो उसके चलते जो है तो एक प्रकार से जो राजनीतिक जोखिम है तो उसको जो है तो जानबूझ कर जो सत्ताधारी दल हैं तो एक प्रकार से गरीब कल्याण को लेकर के एक प्रकार से जो उसकी चिंता है तो उससे जोड़ देते हैं, है ना। और इससे जो है तो सरकार को निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मतलब कि अपनी अवसंरचनाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर इनसे समझौता करना पड़ता है, हमारे विकास इससे निश्चित तौर पे अवरुद्ध होता है ना। तो यहाँ पास यदि हम देखें तो थोड़ा सा कुछ इसके बारे में देखते हैं कि ये जो यहाँ पास योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय के बारे में थोड़ा सा हम प्रकाश डालने के प्रयास करें। जैसे कि जो योजनागत व्यय होता है तो एक प्रकार से एस्टिमेटेड ढंग से होता है कि जिसके प्रकार से मंत्रालय जो है विभिन्न मंत्रालय जो होते हैं एक प्रकार से साथ ही साथ जो अपना नीति आयोग होता है ये सभी मिल करके क्या करते थे कि एक प्रकार से रणनीतिक ढंग से योजना बनाते थे, है ना। इसमें तो जो है तो इसमें पूरी तरह से एक प्रकार से सभी जो व्यय होते थे वो विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही जो योजना है उन पर किए जाते थे, है ना, यानी कि एक प्रकार से ये फिक्स होता था। वहीं गैर योजनागत व्यय की बात की जाती है कि जो इसमें क्या होता था कि इसके दो पार्ट होते थे, एक गैर योजनागत राजस्व व्यय और गैर योजनागत पूंजी व्यय। तो जो गैर योजनागत राजस्व व्यय होता था उसमें जो व्यय होता है ना, उसमें जो व्यय आते हैं तो उनमें जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि ब्याज देने वाली है ना, वहीं सब्सिडी है सरकारी कर्मचारी को, जो वेतन है पेंशन है ना, साथ ही साथ अनुदान वगैरह है राज्यों को जो दिए जाते हैं, वहीं विदेशी सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान है आदि, है ना। क्योंकि इनसे जो है तो ये मतलब कि सरकार को इनसे भी कोई आसानी होती है, क्योंकि ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमारी कोई एसेट्स का निर्माण नहीं करते हैं, है ना। वही बात करते हैं कि जो सरकारों को ये पूरे हो गए, साथ ही गैर योजना का पूंजीगत व्यय की बात की जाए तो उसमें उसके उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं जैसे रक्षा क्षेत्र है ना, ये पब्लिक इंटरप्राइजेस को दिए जाने वाले और भी कर्ज हैं, तो ये जो हैं तो ये हमारे जो हैं तो गैर योजनागत पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते थे, है ना। अब हम चलते हैं अपने मतलब कि उस पर देखें कि इसमें से कुछ मतलब कि जब रिफॉर्म किए जाएंगे तो उससे जैसे इसके लिए ज़रूरी कुछ मतलब आवश्यक प्रावधान भी, जैसे पारदर्शिता का एक प्रकार से पारदर्शिता भरा कदम भी होगा, है ना, यदि इस तरह के रिफॉर्म लाए जाएंगे तो। कैसे, जैसे कि बात की जाए कि जैसे राजकोषीय घाटा है तो उसको लेकर के कोई जो निश्चित इससे लक्ष्य मतलब तय किया जा सकेगा अच्छे तरीके से, है ना, तब निश्चित तौर पे जो है तो हमारा जो राजकोषीय लक्ष्य मतलब कि रखा गया है कि राजकोषीय घाटा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए 3% तक, तो उसको हम पा सकेंगे उसके स्तर को, है ना, मतलब कि उसको पाने में आसानी होगी। और ऐसी पारदर्शिता के अभाव में जो तो एक प्रकार से बजट को ज़्यादा मतलब कि बेहतर तरीके बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है, तो इससे भी एक प्रकार से निजात मिलने मतलब कि निजात मिल जाएगी। तो एक प्रकार से जैसे कि बात करें जैसे 2005 के बजट में भी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की बात की जाए तो यहाँ पास मनरेगा के साथ इसे जो है तो मतलब कि नए डायमेंशंस में मतलब उसने मतलब किया था, तो एक प्रकार से ये मतलब कि चल ही गया था कि एक प्रकार से उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता था जो बजट वगैरह था ना, मतलब उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता, तो इससे ये जो समस्याएं हैं तो इस प्रकार की समस्याएं भी फिर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी जब इस प्रकार की क्लासिफिकेशन हो जाएंगे। तो अब यहाँ पास जो है तो जैसे कि वर्तमान सरकार थोड़ा सा मतलब कि राजनीतिक इच्छा शक्ति यदि प्रबल हो तो निश्चित तौर पर तो इस दिशा में मतलब बेहतर तरीके से कदम उठाए जा सकते हैं सरकार के द्वारा, है ना।
ही देखे कि जैसे कि इस प्रकार के रिफॉर्म नहीं आते हैं तो सरकार एक प्रकार से हमेशा अनावश्यक रूप से दबाव में ही देखने को मिल रही है। जैसे कि 2014 में इस तरह के कंडीशन देखने को मिली थी, तो इससे जो है तो एक प्रकार से अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिलता है ना। और अनावश्यक रूप से हम जो कम राजकोषीय घाटा की लक्ष्य है, तो उससे भी एक प्रकार से कम मुद्रा, साथ ही साथ जो तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो लक्ष्य 2015 से, ये एक प्रकार से वो तो इसमें एक प्रकार से इजाफा इसने किया है। तो यदि हम बात करते हैं कि यदि कुल व्यय के राजनीतिक हिस्से की फाइनेंसिंग कर, राजस्व तथा घाटे की जो फाइनेंसिंग है उसके आर्थिक हिस्से से, मतलब कि इनकी मतलब कि जो करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पास बात करिए कि राजनीति हिस्से को ही जो है तो ब्रिटिश PSBR है ना, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की ऋण आवश्यकता है ना, सीमा के समकक्ष हो, और साथ ही जिसके लिए एक प्रकार से 5 वर्ष तक कोई मतलब कि ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, से जो है तो राजनीतिक जोखिम वाला जो हिस्सा है, तो जो है तो उनमें फिर गतिरोध देखने को नहीं मिलेगा। एक प्रकार से जो है तो एक बेहतर तरीके से जो है तो सुव्यवस्थित ढंग से जो है तो कार्य प्रणालियाँ भी संचालित होती रहेंगी। साथ ही साथ जो है तो केंद्र सरकार को भी एक प्रकार से जो सब्सिडी है, वेतन है और पेंशन है, तो उसमें भी ज़्यादा व्यय करने की मतलब कि अधिक व्यय ना करके जब नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जबकि अभी सरकार मतलब इसी दिशा में कार्य कर रही है, तो उसमें इस दिशा से मतलब कि प्रयास मतलब कि इसको नहीं करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यदि बात की जाए कि जैसे कि उधारी लेने पर भी उसे केवल उच्च ब्याज भुगतान ही करना चाहिए, साथ ही साथ किसी अन्य चीज़ के लिए उसे उधार भी नहीं लेना चाहिए। एक प्रकार से जोखिम को मतलब ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे कम करने की जरूरत है, नियंत्रित करने की जरूरत है। साथ ही साथ जैसे कि बात की जाए कि राजनीतिक वजह से जुड़े तमाम जैसे वृद्धिकारक व्यय हैं, तो वो राज्यों से आए, उसमें मतलब एक प्रकार से राज्यों की भी उसमें भूमिका होनी चाहिए। साथ ही साथ इसके लिए उन्हें एक प्रकार से ये बात किया कि जो यहाँ पास व्यक्ति एक प्रकार से वो व्यक्तिगत आय पर भी कर लगा सके, इस प्रकार की उन्हें थोड़ा सा कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी दिए जाने की जरूरत है, जिससे जो थोड़ा एक प्रकार से वो भी सक्षम हो सके, है ना। और आयकर पे तो केंद्र सरकार कोई मतलब कि वजह ही नहीं होता है कि उसमें मतलब उनका एक प्रकार से कर लगाए। तो इसमें वही राइटर ने यहाँ पास इस चीज़ को भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हाईलाइट किया है कि वही जो एक ही चश्मे से या एक ही डंडे से सभी को हांकने के जो प्रयास होते रहते हैं, तो उसमें भी मतलब कि मतलब हमें अपने परिवर्तन लाने की जरूरत है, कि उसकी दिशा दशा परिस्थितियां जो है तो अलग हो सकती हैं, है ना। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जैसे बताया गया कि एक अच्छे पुजारी की एक विशिष्टता यह होती है कि वो क्या करता है कि तमाम संदर्भ के परे होकर के ज़्यादा धर्म ग्रंथों पर ही ज़्यादा विश्वास करता है, और जो तर्क होता है तो एक प्रकार से वो उसके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। उसी प्रकार से आज जो है तो जो बृहद अर्थशास्त्री हैं वो भी उसी प्रकार के काम मतलब कर रहे हैं, जैसे कि यही इसी कारण जो है तो कि आज हर चीज़ से निपटने के लिए एक ही जैसा रुख अपनाए जा रहे हैं ना, जो कि निश्चित तौर पर एक प्रकार से मूर्खतापूर्ण है कि हर चीज़ों को हम एक ही डायमेंशन से नहीं देख सकते हैं ना, उसके कई डायमेंशन होते हैं, उसके अलग अलग हम उसको मतलब कि नए नए ढंग से देख सकते हैं ना। एक ही चीज़ को मतलब कि मतलब हर जगह पर अप्लाई नहीं किया जा सकता है। अगर यदि बृहद आर्थिक विचार प्रक्रिया के इतिहास पर यदि हम ध्यान दें, तो जैसे कि देखते हैं कि जो पूरी मतलब कि तमाम सफल सरकारें हैं, तो उन्होंने पुरानी समझ को नकारा, और साथ ही साथ यानी कि औसत अर्थशास्त्रियों की सहज को एक प्रकार से उन्होंने सहज समझ को जो पुरानी मतलब कि जो पुरानी प्रोसेस पारंपरिक ढंग थे, तो उसमें काफ़ी कुछ मतलब उन्होंने मतलब कि उस चीज़ को वो करके एक प्रकार से नए पे ज़्यादा वो सफल सरकारों के उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। जैसे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट इसके महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, वहीं मार्गरेट थैचर, रोनाल्ड रेगन भी जो है तो इसके महत्वपूर्ण उदाहरणों में से देख सकते हैं, है ना। किस प्रकार से उन्होंने जो पारंपरिक सिस्टम उसको नकार करके एक प्रकार से नए ढंग से जो है तो नए अप्रोच के साथ जो है तो आगे मतलब कि बढ़ने का प्रयास किया है। अब यदि बात करते हैं कि सरकार के एक्शन को एक प्रकार से बौद्धिक प्रतिपुष्टि की जरूरत होती है, तो इसके लिए जैसे केन्स के सिद्धांत की बात की जाए, जो कि 1950 के दशक में मतलब कि इस प्रकार से किए जा रहे थे, है ना। लेकिन अब इसमें एक प्रकार से बदलाव की भी आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ तक मतलब कि यदि बात की जाए, केन्स ने सरकारी घाटे को लेकर कोई लिमिटेशन डिसाइड नहीं की थी, है ना। उन्होंने केवल ये कहा था कि उतना ही व्यय करें जितना कि अर्थव्यवस्था को गिरावट से उभारने के लिए आवश्यक हो, है ना। और उनका जोर तो एक प्रकार से व्यय पर ही ज़्यादा था, है ना। कोई भी लिमिट पे मतलब कि ज़्यादा कोई लिमिटेशन पे ध्यान नहीं था। तमाम जैसे शक्तिशाली बांड बाजार तो उनके दिमाग पहले थे ही नहीं, जैसे कि अब हमें एक बार फिर मतलब कि केन्स की शरण में जाने की बात यहाँ पर राइटर कर रहे हैं। थोड़ा सा हम केन्स के बारे में जानने का प्रयास करें, तो केन्स जो है तो ये जो मतलब कि व्यष्टि अर्थशास्त्र उसके जनक माने जाते हैं, है ना केन्स। वही यदि केन्स की यदि हम बात करते हैं कि जो मंदी की स्थिति 1929 में देखने को मिली थी, महामंदी की स्थिति, तो उसमें से उन्होंने एक प्रकार से उनके जो अप्लाइड फॉर्म थे, तो उससे ही मतलब किससे उबारा गया था उस मंदी के दौर से, है ना।
कि इसकी जो कुछ मतलब कि हम बात करें कि उनकी मतलब कुछ प्रिंसिपल किस प्रकार से मतलब उनके सिद्धांत है कि जो एक प्रकार से रोजगार बढ़ाना है तो उपभोग और विनियोग जो है तो इन दोनों को ज़्यादा मतलब को महत्ता देते थे कि इन चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है तभी जो है तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगा। वही हम केन्स की बात करते हैं तो जो केन्स जो होते हैं तो मंदी दूर करने के लिए जो है तो एक प्रकार से सस्ती मुद्रास्फीति की बात करते थे, है ना, सस्ती मुद्रा नीति की बात कर रहे थे, जैसे कि सार्वजनिक निर्माण कार्य करे, है ना, और धन के उचित बंटवारे से उपभोग प्रवृत्ति में भी ज़्यादा मतलब वृद्धि करने हेतु सरकारी व्यय को ज़्यादा महत्ता देते थे, है ना। वही भी बात करते हैं कि केन्स सिद्धांत जो है तो हालांकि विकसित देशों पे ही ज़्यादा प्रभावी देखने को मिलता है, लेकिन यदि प्रभावी मांग और बचत हो तो अल्प विकसित देशों में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। यदि हम बात करते हैं कि जो केन्स मॉडल है तो उसमें जो मंदी की स्थिति में जो बेरोजगारी है तो अर्थव्यवस्था में जो समग्र मांग और व्यय की जो कमी है उसके कारण मतलब उसके लिए वो जिम्मेदार मानते हैं कि जो मंदी की स्थिति होती है तो जो उसके लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार हैं कारक हैं तो जो मांग है और व्यय है तो उनमें जो कमी होती है उसी कारण जो है तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। तो इससे निपटने के लिए उन्होंने कुछ मतलब कि कदम मतलब कि बताए थे, उपाय सुझाए थे कि जिस प्रकार से इसमें मतलब कि किस प्रकार से निपटा जा सकता है इन समस्याओं से। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें कि मतलब कि व्यय को ज़्यादा हमें बढ़ा देना चाहिए, है ना। व्यय बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा कि बेरोजगारी इससे बहुत कम होगी, है ना। इससे हम व्यय बढ़ा करके बेरोजगारी को कम कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है तो इससे हम मांग जनरेट कर सकते हैं और इससे जो है तो एक प्रकार से जो मंदी की स्थिति बन जाती है तो उससे हम निपट सकते हैं, है ना। तो ये केन्स मॉडल था, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सक्सेस भी रहा था, है ना, देख सकते हैं आप। इस प्रकार से यहाँ पास राइटर ने जो है तो परिस्थिति के हिसाब से जो केन्स मॉडल की मतलब कि जो उनके मॉडल थे तो उसको यहाँ पास अप्लाई करने की बात यहाँ पास राइटर करते हैं, ना कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में बैठे अन्य वर्ग हैं जो कि एक प्रकार से वो एक समान सिद्धांत के ज़्यादा मतलब कि हिमायती, तो उनकी बजाय जो है तो इस पर ज़्यादा मतलब कि ध्यान देने की ज़रूरत है ना। क्योंकि जो कोई भी सरकार हो तो उसको ऐसी मतलब कि जो बिना दिमाग का इस्तेमाल के सुझाव ये इस प्रकार से दिए जा रहे हैं तो मतलब कि उनको अप्लाई करना तो एक प्रकार से मूर्खतापूर्ण ही होगा ना, क्योंकि उन्हें विचार किए बिना हम किसी की बात या किसी कोई भी मतलब कि जबरदस्ती चीज़ों को थोप रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट कर ले बिना किसी जाने समझे उसके बैकग्राउंड को, उसके इम्पैक्ट को, है ना। तो यहाँ पास अपनी स्थिति के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पास जो तो केन्स मॉडल की वर्तमान में जो है तो प्रासंगिकता ज़्यादा मतलब कि देखने को मिल सकती है वर्तमान की जो मंदी के दौर है ना। तो बस आज के बस आर्टिकल में इतना ही दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।